ओम शांति। आज की अभ्यक्त बाप दादा की मुरली है 20/9/2020 रिवाइज कोर्स है वही 25/3/86। बाबा कहते हैं कि संगम युग होली जीवन का युग है, संगम युग होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं, लेकिन उनके पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें की जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा के रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हैं। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वह दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हैं। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही है कि वो तो केवल एक दिन मनाते हैं और आप पूरे जीवन के लिए होली। होली का एक अर्थ पवित्रता भी होता है कि अपनी आत्मा को ऐसे धो दो जिसमें कि कोई दाग न रहे, ऐसे वाइट कपड़े पर कोई दाग नहीं, दाग पड़ते ही सब धुलते हैं। वैसे ही बाबा कहते हैं कि वो तो होली एक दिन मनाते हैं लेकिन तुम जीवन के लिए मनाते हो। होली का अर्थ भी है होली पास्ट इज पास्ट, ऐसे बिंदी लगाते आती है क्या, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है, रंग में रंगने वाली भी होली आती है, और बिंदी लगाने की होली भी आती है, मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। चारों ही प्रकार की होली आती है ना, अगर एक प्रकार की कम हो गई तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप सम्मान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, जिससे स्नेह होता है तो स्नेह को समान बनने में मुश्किल नहीं होती। बाप के सदा स्नेह हो तो सदा समान क्यों नहीं, सहज है ना। बाबा कहते हैं कि अगर बाप स्नेही है तो आप क्यों नहीं हो सकते हो, आप भी बनो, बन सकते हो। बाबा कहते हैं कि महादानी, अखंड महादानी बनना है तुमको। क्या बनना है, अखंड महादानी। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले निस्वार्थ, स्व के स्वार्थ से परे आत्माएं ही महादानी बन सकती हैं। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना ही महादानी बनना है। जैसे
सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे बाप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजाने के मालिक हो, तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति यही लगन रहे कि उन्हें भक्ति का फल मिल रहा है। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता। बाबा कहते हैं कि बच्चे सहज दिल बनो, रहम दिल बनो और अखंड महादानी, जिससे कि भक्ति जो भी आत्माएं करती हैं उनको उनका फल मिल सके। आज का बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है कि पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। फिर से रिपीट, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात पाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो ना, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल व्यक्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन है कि अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प, जितने संकल्प व्यर्थ होंगे उससे परहेज करने के लिए बाबा बोलते हैं। ओम शांति।